हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज आई मेकअप लुक। ये मैंने बकरा ईद जो आने वाली है उसके लिए क्रिएट किया है। तो आप बिगनर्स हैं तो ये मेकअप लुक जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी पीजी सा होने वाला है। कोई भी ये मेकअप लुक बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकता है। मैंने कोई भी डिफिकल्टी इसमें नहीं डाली है कि ये स्टेप करना है, वो स्टेप करना है, तब जाके आपका आई मेकअप खूबसूरत होगा। बहुत कम आई शेडोज को भी यूज करके आप बहुत अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत हो गई बकबक, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड होते रहे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फेस को प्राइम करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले आई एम सडन की ये प्राइमर, और इसे अपने टी जोन में पहले अप्लाई करूंगी और धीरे धीरे स्प्रेड कर दूंगी अपने पूरे फेस पे। आपके मेकअप को बहुत अच्छा बेस देगा उसे स्टिक ऑन करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का ये फाउंडेशन। बहुत अच्छी फाउंडेशन है, लाइट वेट है, मीडियम कवरेज फाउंडेशन है ये। आप इसे डे टाइम के लिए या लाइट मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई एम सडन की ही ये कंसीलर, और इसे अपने अंडर आई, लिड, ब्रिज ऑफ नोज, फोरहेड यहाँ पे अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अपने बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बिला वोस्टे की ये कॉम्पैक्ट पाउडर, और पहले इसे पफ जो इसमें दिया हुआ है उससे मैं अपने जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ पहले अच्छे से कॉम्पैक्ट को जो है वो सेट कर दूंगी उस एरिया को। उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। देखिए, जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है पहले वहाँ अच्छे से प्रेस करके पाउडर से और उसे सेट कर दिया, उसके हल्के हल्के से पूरे फेस को इस तरह से ब्रश से सेट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का ये आईब्रो पेंसिल, और इससे अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। और इसके सेकंड साइड में आपको पोली भी दी हुई है तो बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्यूटी क्लेज के ये कलर बोर्ड आई शेडो पैलेट, और इसमें से एक ऑरेंजी पिंकी काइंड ऑफ शेड लेके और इसे अपने क्रीज में अप्लाई कर दूँगी और आउटर वी में भी। पहले आउटर वी में मैंने प्लेस किया कलर को, उसके बाद मैं इस पूरे क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब इसमें से मैंने ये शिमरी ऑरेंज शेड लेके और अपने पूरे लिड पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। पहले मैंने इसे फिंगर की हेल्प से किया है और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से भी पैट कर लूंगी कलर को। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टिकर की का ये ब्लैक आईलाइनर, और उससे एक छोटा सा विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। सेम ऑरेंज शेड लेके मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी इस तरह से स्मच कर लूँगी, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आई लैश कर्लर, अपने लैसेस को कर्ल कर लिया है। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये शुगर का मस्कारा और इसे एक कोट अपने लैसेस पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, मेरा दूसरा आई मेकअप भी कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर का ये फेस पैलेट और इससे अपने पूरे फेस को हाईलाइट, कॉन्टोर और ब्लश कर लूँगी।
अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एनवाई बेक की लिप क्रेयॉन, ये शेड जो भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका लिंक। तो ये कुछ येलो ऑरेंज काइंड ऑफ शेड था, तो ये मेरे आई मेकअप से मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का सा एक रेड लिपस्टिक लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर दिया है ताकि दोनों कलर मिक्स होके मेरे आई मेकअप से मैच कर जाए। लास्ट में मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर और इससे अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। तो बस हो गया मेरा मेकअप और ये रहा मेरा फाइनल फिनिश लुक। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। गाइज तो यही थी मेरी आज की वीडियो, होप आप लोग को अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे इसी तरह के कोई नए वीडियो ब्यूटीफुल से वीडियो के साथ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें। चलिए ज्यादा बातें ना करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।